एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनके लिए मैं रिकैप दे रहा हूं। देखो हमेशा ये चीज याद रखो, जब भी कभी दो एटम के बीच में बॉन्ड है ना, और अगर किसी एक एटम पे लोन पेयर है और ये जो बी एटम है अगर बी एटम सेकेंड पीरियड का हुआ और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसके साथ वाले ए के लोन पेयर को बी के ऊपर तरस आ जाएगा, वो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इस लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेजेगा, यानी कि अपने फुली फिल्ड ऑर्बिटल को इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल करके पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर बी सेकेंड पीरियड का है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो फिर ए एटम जिस पे लोन पेयर होगा वो अपने लोन पेयर को पी ऑर्बिटल में रखते हुए इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा पी पाई पी पाई। फॉर एग्जाम्पल बी ई एफ टू, बी एफ थ्री, अब यहां पे ए एटम वो जिस पे लोन पेयर है फ्लोरीन, जिस पे लोन पेयर है तो ए एटम का रोल प्ले कर रहा है फ्लोरीन ए और बी एटम बोरॉन, बोरॉन सेकेंड पीरियड का है और सेकेंड पीरियड वाले के पास तीन बॉन्ड पेयर है यानी कि सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इट्स मीन इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल डेफिनेटली है, तो मैं बोल दूंगा इसका एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल ही क्यों बोला, क्योंकि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल तो होता नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि 2d does not exist और वैसे भी बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 का मतलब एक s और दो p ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया, बचा हुआ एक p ऑर्बिटल खाली है और बोरोन के ऊपर क्योंकि छह इलेक्ट्रॉन है इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो फ्लोरीन अपने फुली फिल्ड p ऑर्बिटल को आदेश देगा कि जाके इसके साथ पाई बॉन्ड बनाओ, पी पाई बॉन्ड बनाओ ताकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन का सुख ये दोनों मिल बांट के भोगे। तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है बोरॉन को, तो मैं लिखूंगा कि बोरॉन हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट देयरफॉर बोरॉन हैज एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑन इट। बच्चों ये हमेशा याद रखना, जब भी सेकेंड पीरियड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना तो हमेशा बी के पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा। जब भी कभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो उसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल डेफिनेटली होगा। तो यहां पे बोरोन के पास तीन बॉन्ड थे, छह इलेक्ट्रॉन थे, तो मैं ये बोलूंगा कि बोरोन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है क्योंकि उसके टोटल स्टेबल होने के लिए उसको आठ इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, छह ऑलरेडी हैं, तो उसके पास एक खाली ऑर्बिटल है जिसमें वो किसी से मांग रहा है कि उसे कोई दो इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ऐसे केस में फ्लोरीन का ये जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, वो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, पी पाई, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। इसी तरीके से यहां देखो बेरिलियम सेकेंड पीरियड का है, क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट ना, क्योंकि बेरिलियम ने दो बॉन्ड बनाए, चार इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम पे, तो बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है, इसका मतलब
इसका एक पी और एक एस टू हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, बचे हुए दो पी ऑर्बिटल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर एम्प्टी। बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, दो स्टीरिक नंबर एसपी, एसपी का मतलब एक एस एक पी ऑर्बिटल ने मिलके हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लिया, वो लोग तो ये बॉन्ड बनाने चले गए, तो खाली कौन है, बचे हुए दो पी ऑर्बिटल, और बचे हुए दो पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल बेरिलियम पे है। अब बेरिलियम का ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट, उसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल भी है, तो फ्लोरीन का ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल फुली फिल्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने का, तो मैं कह दूंगा ये बैक बॉन्डिंग हो गई। जब सराउंडिंग एटम का लोन पेयर सेंट्रल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो हम यहां ये लिख रहे कि बोरोन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बोरोन हैज एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑन इट, देयरफॉर लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑन फ्लोरीन विल ओवरलैप विद एम्प्टी टू पी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन फॉर्मिंग टू पी पाई बैक बॉन्डिंग। अब ये चीज ये बताओ, जब ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, क्या इसका फायदा बोरोन को हो रहा है, क्योंकि बोरोन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, पर बच्चों क्या इसका फायदा फ्लोरीन को हो रहा है, फ्लोरीन को भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां का बॉन्ड ऑर्डर इंप्रूव हो रहा है, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, बी एफ के ऊपर तीन लोन पेयर, तो आप दिखा दो कि यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और जब आप यहां के कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करके दिखाओगे तो आप इसे डबल बॉन्ड फ्लोरीन पे दो लोन पेयर, अब फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में भेजा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो इससे BF3 के कितने पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुल गए, ये बैक बॉन्डिंग इधर फ्लोरीन से हो सकती है तो इन दो फ्लोरीन से भी तो हो सकती है, तो मैं कह दूंगा कि बैक बॉन्डिंग इधर से भी पॉसिबल है, इधर से भी पॉसिबल है, तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इससे बोरॉन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ, लेकिन जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी तो इंक्रीज हो गया, अब चार बॉन्ड को तीन एटम में बराबर विभाजित करना, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड विल इंक्रीज टू 4/3। अगर बैक बॉन्डिंग ना होती तो यहां आप क्या मानते, सिंगल बॉन्ड, पर अब आप सिंगल बॉन्ड नहीं मानोगे, इसे मानोगे 1.33 बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि ये BF बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी घट जाएगी, क्योंकि जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ घटती है, तो नॉर्मल BF बॉन्ड के कंपैरिजन में ये BF बॉन्ड थोड़ा सा छोटा होगा लेंथ में, सो आई विल सिंपली से पहले बॉन्ड ऑर्डर 1 था, अगर हम बैक बॉन्डिंग ना देखते, यहां तीन बॉन्ड है और तीन सराउंडिंग एटम है, तीन बॉन्ड को तीन एटम में बांट रहा है, तो हर एक हिस्से में एक एक बॉन्ड आता, अब चार बॉन्ड है उसको तीन हिस्सों में बांटना है, तो सबके हिस्से में 1.33 बॉन्ड आ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, सो BF3 में बैक बॉन्डिंग होने से सिर्फ बोरॉन को नहीं फायदा हुआ, फ्लोरीन को भी फायदा हुआ, यहां बॉन्ड ऑर्डर इंप्रूव हुआ,
पूरे मॉलिक्यूल को फायदा हुआ। अब बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मान लो कि ये बेरिलियम की मैं बात करूं, बेरिलियम क्या बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? क्या बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? बिल्कुल है ना। बेरिलियम को क्या ये फ्लोरीन अगर बैक बॉन्डिंग कर दे तो बेरिलियम को तो फायदा ही होगा ना। लेकिन ये बैक बॉन्डिंग तभी हो सकती है मेरे बच्चे जब फ्लोरीन का लोन पेयर बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करे, और एम्प्टी ऑर्बिटल होने की कंडीशन क्या है? बेरिलियम मस्ट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, रटना नहीं है। अगर बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट होता तो बेरिलियम की कंफिग्रेशन अगर मैं लिखूं 1s2 2s2 2p तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p में अगर यहां ऑक्टेट कंप्लीट होता तो दो इलेक्ट्रॉन ये वाले और यहां 6 इलेक्ट्रॉन होते तो कोई ऑर्बिटल खाली थोड़े ना होता। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब वैलेंस शेल में 8, तो एक ऑर्बिटल, दो, तीन, चार ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन अगर होते, 8 ऑक्टेट कंप्लीट होता, तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते थे कि बेरिलियम यहां पे पैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता था। पर हमें पता है उसने दो बॉन्ड बनाए, अपने एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया और हाइब्रिडाइजेशन sp कर ली, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp, तो ये दो p ऑर्बिटल खाली। अगर ये दो p ऑर्बिटल खाली है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अब आप ये बताइए क्या फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करेगा? ऑब्वियसली करेगा। अब एक चीज क्वेश्चन ये आता बच्चों के दिमाग में, अगर एक बैक बॉन्डिंग इधर से हो जाए, एक बैक बॉन्डिंग इधर से हो जाए, तो क्या दोनों तरफ से बैक बॉन्डिंग काउंट कर ले? तो उसका जवाब सुनो, अगर मैंने इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करूं, तो आप ऐसे करोगे ना, यहां डबल बॉन्ड पेयर पर तीन लोन पेयर की बजाय अब दो लोन पेयर, बेरिलियम के ऊपर सिंगल बॉन्ड, तो बेरिलियम पे नेगेटिव, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जब फ्लोरीन अपने लोन पेयर को इसकी तरफ भेजेगा, बेरिलियम पे तो नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो क्या नेगेटिव चार्ज वाला इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन नहीं ऑफर करेगा? इसलिए अगर एक बार बैक बॉन्डिंग हो गई, दूसरी बार बैक बॉन्डिंग होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए, बेरिलियम पे नेगेटिव चार्ज आ रहे, तो वो कहीं ना कहीं इधर से आने वाले बैक बॉन्ड को रिपल्शन ऑफर करेगा। इसलिए जब भी कभी किसी एटम के लिए बैक बॉन्डिंग की बातें करनी है, तो एक तरह से कर लो, एक बार कर लो, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, राइट? अच्छा, अब रही बात पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की। अगर मैं पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की बात करूं, तो अब यहां पे, और अभी तक ये मान के चला मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, ये जितना मैंने बोला है ना, ये आपको कल वाले लेक्चर में मिल जाएगा, और अब जो मैं बोलने वाला हूं वो भी मेरे कल वाले लेक्चर में, वो अपलोडेड है, तो अब चिंता ना करो। हाय मेरे नोट्स, एक बच्चे ने लिखा हाय मेरे नोट्स, नोट्स की चिंता ना करो, आपके पास मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब देखो, जब पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग कब होगी? जब भी कभी कभी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, एक एटम के ऊपर लोन पेयर है, लेकिन बी एटम थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड का हो, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हमेशा होंगे। सेकेंड पीरियड का होता ना, तो एम्प्टी ऑर्बिटल तभी होगा जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, पर जब कोई एलिमेंट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड का है, डजंट मैटर,
कि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल जरूर होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन के साथ, मैंने यहाँ पे सिलिकॉन लगा दिया, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस और एडवांस में कई बार आ चुका है। यहां पर सिलिकॉन के साथ तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक दो तीन और ये चार, सिलिकॉन के चार बॉन्ड, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड में आठ इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के एक दो तीन चार बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन सिलिकॉन की sp3। जब मैंने ये वर्ड बोला ना, एक s और तीन p हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, अब इसके पास कोई p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। अब इसके पास सारे s और तीनों p ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले लिया, सिलिकॉन की कंफिगरेशन 3s2 3p2 3d खाली, और 3s2 3p2 में अगर मैं यहां बात करूं, सिलिकॉन ने चार बॉन्ड बनाए, चार बॉन्ड, तो चार बॉन्ड बनाने के लिए प्रमोशन तो करवाना पड़ेगा ना। चार बॉन्ड तभी बनेंगे जब चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे। तो मैं कहूंगा कि सिलिकॉन के ये जो चार बॉन्ड है ना, ये एस ऑर्बिटल जब यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा अपना, तो इन चारों ने हाइब्रिडाइजेशन कर ली है sp3, तो बचे डी के पांच खाली ऑर्बिटल। देखो सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट था, आठ इलेक्ट्रॉन पूरे। अब अगर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो डी वाले, और एग्जाम में आपको इतना सब लिखने का तो टाइम नहीं मिलना, तो सीधी मेरी लाइन आपने पल्ले बांध लेनी है। जब भी थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड का एलिमेंट दिखे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो ना हो, उसके पास एम्प्टी डी तो हमेशा। तो जैसे थर्ड पीरियड का कोई बंदा दिख गया, बोल देना एम्प्टी डी ऑर्बिटल इसके पास। अब आप ये कहोगे कि ये लोन पेयर इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करना चाहेगा। अब इसका लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करना चाहेगा। मान लो मैंने आपको बैक बॉन्डिंग ना पढ़ाया होता और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, नाइट्रोजन है यहां, तीन सिलिकॉन और यहां एक लोन पेयर, और अगर मैंने बैक बॉन्डिंग ना पढ़ाया होता और मैं आपसे पूछता इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप क्या जवाब देते? आप बोलते 1 sigma 2 sigma 3 sigma लोन पेयर सिग्मा, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है सर sp3। और जब सेंटर के अराउंड तीन बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ जाए तो बोलते पिरामिडल। आप कहते सर इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री। परंतु अब आप ये देखो, यहां नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट, सॉरी नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, आठ इलेक्ट्रॉन, इसके भी आठ इलेक्ट्रॉन, फिर भी यहां लोन पेयर कह रहे मुझे बैक बॉन्डिंग में भेजो, नाइट्रोजन का लोन पेयर कह रहा है मुझे बैक बॉन्डिंग में भेजो, मुझे पाई बॉन्ड बनाना है, मैंने नहीं सिग्मा बनाना। अब देखते हैं अगर वो पाई बॉन्ड बनाता तो उसको फायदा क्या होता है, एक बार ये देखते हैं। जबकि हमें ये थॉट आनी नहीं थी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। पहले वाले केसेस में जब हमने देखा था बेरिलियम बोरॉन, उनके पास तो सच में बेचारे कंगाल थे, उनके पास तो आठ इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, इसलिए वो पड़ोसी से मांग रहे थे। यहां तो सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, तो बेसिकली यहां लोन पेयर को क्या अंदर से क्या कहते हैं, अंदर से क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा कि मुझे बैक बॉन्डिंग में भेजो। तो एक बार देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग में जाने से तो स्वाद क्या मिलता। अगर ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाता तो उससे एक फायदा होता, यहां के बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आता तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता। दूसरी चीज, अब इस लोन पेयर को जब आप बैक बॉन्डिंग में भेज रहे हो ना पाई बॉन्ड बनाने, आप इसे सिग्मा नहीं काउंट कर सकते। आप कहोगे
1, 2, 3 इसे सिग्मा नहीं काउंट करते, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती sp2। ठीक है, अब अगर यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती और यहां डबल बॉन्ड करेक्टर होता, लोन पेयर है नहीं, अब लोन पेयर की जगह बॉन्ड पेयर बन गया, तो अब आप मुझे ये बताओ पहले यहां का लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लेकिन जब ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में बिजी हो गया तो इस लोन पेयर का ध्यान बट गया बॉन्ड पेयर को रिपेल करने के लिए। लोन पेयर जब तक था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, ये पिरामिडल थी, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा था, और जब तक रिपल्शन है ये भाई साहब उतना स्टेबल नहीं। लेकिन अगर ये लोन पेयर यहां डबल बॉन्ड करेक्टर में चला जाए, बैक बॉन्डिंग करने चला जाए, तो अब तो वहां लोन पेयर बचा नहीं, और जब लोन पेयर नहीं रहेगा ये डबल बॉन्ड की तरह गिना जाएगा, तो अब आप ये बताओ जब यहां डबल बॉन्ड की तरह गिना जाए तो आप खुद डिसीजन लो, नाइट्रोजन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर तो कौन सी ज्योमेट्री होती, ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होता, 120 डिग्री। अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, सबसे पहले तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ने से बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर का आपस का रिपल्शन एंगल बढ़ने से घट गया, रिपल्शन घटा, ऊपर से लोन पेयर भी गायब हो गया, लोन पेयर का इफेक्ट भी घट गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी घटी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी घटी, और तो और बॉन्ड ऑर्डर भी इंप्रूव हुआ, 3-3 फायदे हैं। तो मैं कहूंगा यहां का बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ गया, ऊपर से लोन पेयर के गायब होने से, बैक बॉन्डिंग में जाने से, लोन पेयर खत्म होने से यहां पर अब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन गई, 120 का बॉन्ड एंगल आ गया, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी कम हो गया, उल्टा लोन पेयर का इफेक्ट भी कम हो गया, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन देता था। एंड डोंट थिंक कि अरे यार इतना सब है आप लिखवा दो, मैंने आपको एक तो कल लेक्चर अपलोड करवाया, उसके बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी स्टोरी लिख के भेजी थी, और एक जो आपने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया उसमें भी मैंने ये सारी स्टोरी लिख के भेजी है, इसलिए ये तो रहने दो कि ये लिखवा दो, मैं नहीं लिखवा रहा। इफ यू हैव नॉट गेट देन बी फर्स्ट द पार्टिसिपेंट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें मैंने ये सारी चीजें लिखवाई, एक बड़ी सारी पिक्चर शेयर की थी। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि यहां बैक बॉन्डिंग से क्या क्या फायदे हुए, डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड पेयर रिपल्शन घट गया, दूसरी चीज बॉन्ड एंगल बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, और क्या चाहिए। इसलिए अगर कोई कहे कि क्या ये लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में रहना चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहे, वो कहेगा मैं नहीं जा रहा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, लोन पेयर कह रहा मुझे बैक बॉन्डिंग में भेजो, तो लोन पेयर कहेगा मैं पी ऑर्बिटल में रहूंगा पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं। तो अब मैं ये बोलूंगा कि यहां पर जो लोन पेयर है, दिस इज नॉट काउंटेड एज ए सिग्मा, दिस लोन पेयर विल रिमेन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, और ये जो बैक बॉन्डिंग होगी, ये बैक बॉन्डिंग होगी 2p pi 3d pi। सो बेसिकली आई विल से दैट इन ट्राइसाइल, इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम है ट्राइसाइलाइल एमीन, इस कंपाउंड का नाम, इसको ऐसे लिखा जाता है SiH3 थ्राइस नाइट्रोजन। तो यहां का लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में रहेगा, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 कहलाएगी, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होके 120 के करीब बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। अब यहां पे अभी तो आपने सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल देखे हैं ना, जिसमें बच्चों को बड़ा सा दिक्कत आती, सर अभी ना
फील नहीं आ रही कहां बैक बॉन्डिंग होगी कहां नहीं होगी, चिंता मत करो, लेक्चर के एंड तक मैं यही सवाल पूछूंगा, बताओ कंफर्टेबल लेवल आया या नहीं, डोंट वरी। सो पहले तो अब हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी कभी एक एटम पे लोन पेयर है और इसके साथ वाला एटम थर्ड पीरियड का हो तो समझ जाना बैक बॉन्डिंग के दरवाजे खुल गए। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड, कोई भी हो। अब यहां पे एक चीज देखो जो इसके साथ, अब मैं कंपैरिजन करने लगा ना, यहां सिलिकॉन हटा के कार्बन लगाने लगा, नाइट्रोजन के साथ मैंने यहां पे कार्बन लगा दी। अब अगर मैं यहां पे देखूं, ये कार्बन सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड के साथ कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए, कार्बन पे आठ इलेक्ट्रॉन है, आठ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या कार्बन के किसी खाली ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर पाएगा? सिलिकॉन के पास तो डी ऑर्बिटल थे, तो अब आप कहोगे कि ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में नहीं जा सकता और इसका नाम ट्राई मिथाइलेमी। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं और आपकी शीट में इसको ऐसे लिखा है ME3N, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपने कई बार नोमेनक्लेचर में ये देखा होगा ME3 मिथाइल, ट्राई मिथाइलेमी। तो अब मैं कहूंगा कि ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में नहीं जा सकता। तो अब अगर ये बैक बॉन्डिंग में नहीं जा सकता तो ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाए? अगर ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये किसी के साथ सिग्मा बॉन्ड बना ले। कहने का मतलब ये है कि ये लोन पेयर अब कौन से ऑर्बिटल में रहना चाहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल में, जब ये बैक बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता, पाई बॉन्ड तो कर नहीं सकता। तो अब ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करवाना चाहेगा खुद को और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा क्योंकि जब तक ये लोन पेयर के पास बैक बॉन्डिंग की ऑप्शन बंद है फिर ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो। तो मैं कहूंगा यहां स्टेरिक नंबर चार और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ये लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन लोन पेयर का इफेक्ट अब रहेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो यहां की ज्योमेट्री क्या आएगी? अब आप मुझे बताएंगे यहां की ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री विल बी व्हाट, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन? इट्स पिरामिडल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल रिमेन पिरामिडल। क्या यहां का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा? क्या यहां का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा? बॉन्ड ऑर्डर विल रिमेन व्हाट? व्हाट विल बी द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर विल रिमेन वन, राइट? अब इससे रिलेटेड सवाल आपसे जेई वाले क्या पूछते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन फुल फ्लेश देने लगा जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले मैं आपको जेई वाले एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में बताऊं, पहले मैं आपको कुछ कंफर्ट फील करवाता हूं।
आप ये समझना अभी वाले अगले 10-15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उसके बाद आई विल रियली विश कि आप जहां भी घर पे बैठे लेक्चर देख रहे हो आपके मुंह पे स्माइल हो, जबरदस्ती वाली स्माइल सच्ची वाली। मान लो अब से आप लिखोगे, क्योंकि ये मेरा आज का लेक्चर शुरू हो गया, अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपने वैसा दिमाग लगाना है अगले एग्जांपल में खुद। पहले एक एग्जांपल मैं बताने लगा। मेरा सवाल ये है, यहां कहां कहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है और उस बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन सेंट्रल एटम से सराउंडिंग की तरफ है या सराउंडिंग से सेंटर की तरफ। क्वेश्चन ये है, कहां कहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है और उस बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन बताएं। अब मैं पहले बताने लगा हूं, पहले मेरे को सुनना, बाद में अपना उल्टा सीधा दिमाग लगाना। सबसे पहले मैं ये देखने लगा हूं इस एग्जांपल में, मैं देखूंगा क्या तीनों एटम सेकेंड पीरियड के हैं। हाँ है। क्या इनमें से किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? नहीं है। तो इन तीनों में किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंड पीरियड के एटम ने अगर बैक बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है तो सेकेंड पीरियड के कोई एक एटम के पास, इनमें से कहीं किसी एक एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता तो बैक बॉन्डिंग का सोच भी सकते थे। तो मैं ये कहूंगा कि यहां फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, फ्लोरीन के पास 8, किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। तो ये वही केस है जो हमारा पुराना केस होता था, मैं ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन 1σ, 2σ, लोन पेयर सिग्मा, डोन पेयर सिग्मा लूंगा। मैं कहूंगा हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का sp3। अब इसी थॉट के साथ मुझे बताओ क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है, कहीं चेक करो ध्यान से, क्या इस एग्जांपल में कहीं बैक बॉन्डिंग हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, कार्बन सेकंड पीरियड का, उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है नहीं, कार्बन के पूरे 8-8 इलेक्ट्रॉन है, एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं, नो बैक बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन 1, 2, 3, 4 sp3, ठीक। अब जरा ऊपर चलते हैं, अब यहां चलते हैं। सबसे पहले ये देख के बताओ क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है। जिस एटम पे लोन पेयर है ना, उसके साथ वाले एटम को देखो, क्या ये सिलिकॉन 3rd पीरियड का आ गया? बिल्कुल आ गया। इसके पास ऑक्टेट चेक करना है या नहीं करना? नहीं करना, सीधा बोल देना इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। तो आप कह दोगे आप ये वाला लोन पेयर सिलिकॉन के साथ एम्प्टी डी ऑर्बिटल में मजा मारने जाएगा। अब यहां बैक बॉन्डिंग होगी। अगर यहां बैक बॉन्डिंग होगी तो इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में गिनना है या नहीं गिनना? नहीं गिनना। आप कहोगे 1σ, 2σ, 9σ, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp। तो अब यहां की ज्योमेट्री भी बताओ, जब सेंटर के अराउंड दो बॉन्ड होते हैं, सिर्फ दो बॉन्ड, लोन पेयर नहीं गिनना, जब सेंटर के अराउंड दो बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री विल बी लीनियर, बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है,
लेकिन सिलिकॉन के पास एंटी डी ऑर्बिटल होगा क्योंकि सिलिकॉन की थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, या थर्ड पीरियड का आ गया बंदा तो उसके पास एंटी डी ऑर्बिटल तो है, सीधी सी बात। तो आपने बोल देना कि लोन पेयर पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग करेगा। अब ये चीज मुझे यहां देख के बताओ, क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है यहां कहीं? कहीं किसी एटम का लोन पेयर किसी के एम्प्टी ऑर्बिटल में जाके पाई बॉन्ड बनाने की इच्छा में बैठा हो, बैक बॉन्डिंग करने की इच्छा में बैठा हो, तो वो किसका लोन पेयर किसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाना चाहेगा? किसका लोन पेयर किसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाना चाहेगा? आप बोलोगे ऑक्सीजन का लोन पेयर सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाना चाहेगा। अब मुझे इस बात का जवाब दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आंसर बताया था, यदि किसी एटम के ऊपर दो दो लोन पेयर हो तो एट ए टाइम कितने लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चलेंगे, दोनों या एक? हमेशा एक, दूसरे को नहीं भेजना बैक बॉन्डिंग। तो जब ये बैक बॉन्डिंग में जाएगा तो फिर अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बनाओगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? जब आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन अपने दूसरे लोन पेयर को टाइटली पकड़ लेगा या लूजली पकड़ लेगा? जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग करते वक्त तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो अब वो अपने दूसरे लोन पेयर को कस के पकड़ लेगा, वो कहेगा तू नहीं जाएगा, एक तो चला गया अब तू नहीं जाएगा, इसलिए एक लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा। तो अब आप मेरे को ये बताओ, यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अगर बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी? क्या हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी? 1 सिग्मा 2 सिग्मा लोन पेयर सिग्मा 3 सिग्मा चौथा नहीं गिनना, sp2। तो मैं बोलूंगा इट्स ज्योमेट्री विल बी नाउ, क्योंकि एक लोन पेयर जब बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो अच्छा एक और चीज ये बताओ यहां पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा राइट? अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा यहां डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, लोन पेयर का इफेक्ट घट रहा है, लोन पेयर का इफेक्ट घटने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है या घटता है? लोन पेयर हमेशा बॉन्ड एंगल को क्या करने की कोशिश करता है? लोन पेयर एंगल को घटाता है, जबकि अब आपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेज दिया तो इससे क्या होगा, यहां का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा यहां पे कि भाई लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन व्हेन पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग विद सिलिकॉन विथ एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन इट्स SiOC bond angle, यानी कि ये वाला bond angle theta, this bond angle theta will increase. अब यहां पे हर्षल ने क्वेश्चन पूछा कि ऑक्सीजन के पास तो empty p orbital नहीं है तो बैक बॉन्डिंग कैसे कर रहे हैं? तो हर्षल मैंने हमेशा क्या बोला, दो एटम में से एक के पास लोन पेयर हो, जिसके पास लोन पेयर होगा फुली फिल्ड ऑर्बिटल, दूसरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो कोई भी, तो फुली फिल्ड एम्प्टी ऑर्बिटल में बैक बॉन्ड करेगा। तो ऑक्सीजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, वो लेने का काम नहीं कर सकता, वो देने का काम कर सकता है। तो ऑक्सीजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल अगर होता तो फिर वो लेने का काम करता, यहां पर तो वो देने का काम कर रहा है, इसलिए ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही एकदम से खतरनाक था कि ऑक्सीजन के पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, अब वो किसी से ले नहीं सकता पर किसी को दे तो सकता है ना, तो बैक बॉन्डिंग तो होगी।
अब मुझे ये चीज बताओ, शाबाश। अब मुझे एक चीज ये बताओ यहाँ पे बच्चों, ये बताओ क्या यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा सकता है इधर इधर कहीं किसी के साथ? क्या यहाँ का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा सकता है क्या? क्यों नहीं जा सकता? कारण क्या है? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन के पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं, तो लोन पेयर कहां जाए? जगह ही नहीं खाली। तो अब मेरा आपसे सवाल पता क्या है, ये देखो इस एग्जाम्पल का नाम है मिथाइल, इस कंपाउंड का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट। और बच्चों यहां मैंने जब कार्बन को हटा के सिलिकॉन लगाया ना, सब कुछ सेम रखा, कार्बन हटा के सिलिकॉन लगाया, इसको बोलते साइलाइल आइसोसाइनेट। आपसे क्वेश्चन आएगा ये वाला बॉन्ड एंगल कहां बड़ा है और कहां छोटा है, ये थीटा वन और यहां का थीटा टू, ये वाले एंगल को कंपेयर करना, इससे कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल बड़ा होगा, थीटा वन या थीटा टू? ऑब्वियसली थीटा टू, क्योंकि यहां का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो यहां का एंगल बढ़ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, जेई एडवांस यही चीजें पूछने वाला है आपसे, तो वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर ये नाम सब पता होने चाहिए। अभी यहां बताओ मुझे इन दोनों में से कहां का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इन दोनों में से कहां बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, इन दोनों में से कहां बॉन्ड एंगल बढ़ेगा? ऊपर, जहां बैक बॉन्डिंग हो रही। अच्छा आप मुझे ये बताओ क्या यहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? अगर मैंने आपसे पूछा आपसे आपसे मैंने ये पूछा, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, और कंपेयर करके बताओ कहां का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, चेक करके बताओ। ऑब्वियसली थीटा टू। क्यों क्यों थीटा वन क्यों नहीं? क्या यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? क्या यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं है। क्या यहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि किसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? क्लोरीन के पास। पर क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर आप क्यों कह रहे हो कि क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड वालों का ऑक्टेट तो वैसे भी नहीं देखते, उनके पास तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा। तो कौन अपना लोन पेयर किसके खाते में डाल देगा? तो ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी? ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन अब आप क्या कहोगे, क्योंकि वहां पे एक लोन पेयर तो भाई साहब एब्सेंट हो गया, तो आप कहोगे कि यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर की बैक बॉन्डिंग के कारण ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा जब मैं इसकी बैक बॉन्डिंग दिखाऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बना के, तो क्या मैं इसका ये स्ट्रक्चर बना सकता हूं, OCl2 का ये स्ट्रक्चर? यहां दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर गायब कर दिया और यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव लगा दिया, क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है? क्यों ठीक है? क्यों बता रहे हो ठीक? क्यों कैसे? मुझे समझ नहीं आया, मैंने ऐसा क्या काम किया है कि इसका ये स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया? मैंने कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, मैंने कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो फॉर्मल चार्ज लगा दिए। अच्छा भाई ये चीज बताओ, क्या मैंने एक तो लोन पेयर कम कर दिया, दूसरी चीज यहां डबल बॉन्ड करेक्टर लगा दिया, तो अब आप मेरा ये सवाल जानो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होगी या सिंगल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होगी? विच रिपल्शन विल बी स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन या सिंगल बॉन्ड रिपल्शन? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड सिंगल। तो अब आप खुद ही बताओ इस V में
अगर एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को रिपेल करेगा तो ये वी खुलेगी या और पास पास आ जाएंगे? जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को रिपेल करेगा तो ये वी ओपन होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यानी कि मैं बॉन्ड एंगल को दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूं बढ़ता हुआ। क्यों? मैं कहूंगा एक तो यहां दो दो लोन पेयर है, और ज्यादा लोन पेयर होने से वर्सेस एक लोन पेयर और दो लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल घटता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। और दूसरा मैं बोलूंगा डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। तो ऑब्वियसली यहां का बॉन्ड एंगल बड़ा, यहां का बॉन्ड एंगल छोटा, हम ये लिख भी लेते हैं इन OCl2 ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विथ एम्प्टी ऑर्बिटल ऑन क्लोरीन, इट्स बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस ड्यू टू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। राइट? अच्छा, अब मैं आपसे यहां भी पूछने लगा, इन दोनों में से ए और बी में मुझे कंपेयर करना है θ1 θ2, क्या कहीं बैक बॉन्डिंग हो सकती है? इन दोनों में से चेक करके बताओ किसका लोन पर किसके साथ बैक बॉन्डिंग का मजा मार सकता है, किसका लोन पेयर किसके साथ डायरेक्शन के साथ बताओ। ये मत बोलो θ1 θ2, ऐसे करके तो मैं बोलूंगा तुक्का मार रहे तुक्का। आप बस इतना बता दो N to F या N to Cl या Cl to N या F to N। गुड, वेरी गुड, नाउ आई एम गेटिंग कंफर्टेबल बिकॉज अब मेरे को ज्यादा सारे सही सही आंसर दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे नाइट्रोजन का लोन पेयर क्लोरीन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जा सकता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्लोरीन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जा सकता है। तो अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछने को, आप ये बताना ट्रू फॉल्स। अब ध्यान से सुनो, रिपल्शन बिटवीन टू क्लोरीन इज मोर देन रिपल्शन बिटवीन टू फ्लोरीन, रिपल्शन बिटवीन टू क्लोरीन इज मोर देन रिपल्शन बिटवीन टू फ्लोरीन। ट्रू? यस ट्रू, बिकॉज यहां डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आने से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। राइट? सो वेयर बॉन्ड एंगल विल बी मोर, θ1 इज मोर देन θ2। राइट? θ1 इज मोर देन θ2। गुड। अच्छा, अब आपसे अगला सवाल पूछता हूं। नाउ माय क्वेश्चन इज अमंग दिस एंड दिस कहां बैक बॉन्डिंग होगी, ए में बी में या दोनों में, ए में बी में या दोनों में वेयर बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। और आंखें खोल के ध्यान से +4 फॉर द करेक्ट मार्क्स, -1 फॉर द रॉन्ग, -10 फॉर द नॉन अटेम्प्टिंग। मान लो जे ने आपके टाइम ऐसे मार्किंग दे दी -10 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, यानी कि अटेम्प्ट करना ही करना।
बताओ, या तो ए में या बी में या दोनों में, प्लस फोर फॉर द करेक्ट, माइनस वन फॉर द रॉन्ग, माइनस टेन फॉर द नॉन अटेम्प्टिंग। वेरी गुड, चलो अब आंसर देखते हैं। मैंने ऑप्शन आपके बताए, फर्स्ट ऑप्शन ओनली ए, सेकेंड ऑप्शन ओनली बी, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी। वेयर बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, सोच के जवाब दो। जेईई एडवांस 2022 पेपर वन क्वेश्चन नंबर 8 पेपर लीक। ओके, सो आंसर इज 2। ठीक, वेरी गुड। अब बताओ किस किस का ठीक हुआ, जिसका ठीक हुआ वो बताओ। वेरी गुड, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, शाबाश, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का मेरा 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 मेरा, गुड, वेरी गुड, माय 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 माय, गुड। ये लो बेटा, तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, करेक्ट आंसर इज 3, ले लो मजे। आंसर इज 3। अब बताओ किसका करेक्ट, अब उल्टा आंसर पकड़ना नहीं यार, ये क्या बात है कि जब पहले मैंने 2 लगाया तो मेरा, अब ये लगा दिया तब भी मेरा। गुड, अब जिसका सही हुआ वो उसके लिए परफेक्ट, प्लस 4, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड। आपकी बार तो दोनों में होगी बैक बॉन्डिंग, दोनों में। क्यों? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट। ये देखो 1 2 3 4 5 6, कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है, इसका मतलब कार्बन पे एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया। तो अब फ्लोरीन अपने लोन पेयर को कार्बन के बैक बॉन्डिंग करवाएगा, फ्लोरीन अपना लोन पेयर कार्बन में भेजेगा। तो मैं श्योर हूं, मैंने पता क्या स्मार्टनेस की, आपको जानबूझ के थर्ड पीरियड में घुमाता गया, ताकि आप थर्ड पीरियड देखते रहो, यहां भी आपको थर्ड पीरियड दिखे। आपने ये नहीं देखना कि कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। तो जब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है तो कार्बन पे तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, अब तो कार्बन भूखा है इलेक्ट्रॉन का, अब फ्लोरीन लोन पर बैक बॉन्डिंग करवाएगा। सो दिस बैक बॉन्डिंग विल डेफिनेटली टेक प्लेस, वो चीज यहां भी होगी। कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्लोरीन के साथ आपकी बार क्लोरीन का लोन पेयर कार्बन के पी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग में जाएगा। ये मत सोचो, ये देखो, जिन्होंने मुझे पहली बार आंसर दिया था ना बी क्लोरीन को देके, मैं गारंटी हूं उन्होंने ऐसे सोचा, क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, कार्बन का लोन पेयर क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में जाएगा। सच सच बताओ, ऐसे सोच के किया था ना बी का आंसर, है ना? पर ये देखा, कार्बन का तो ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट, वो क्यों अपने लोन पेयर को भेजे, कार्बन का तो ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट, तो कार्बन थोड़े ना अपने इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, कंगाल वाला और कंगाल कर दो, ये कहां की बात हुई, इतना धोखा तो केमिस्ट्री में नहीं होता। तो आप बोलोगे क्लोरीन अपने लोन पेयर को कार्बन के ऑर्बिटल में भेजेगा, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट अब की बार इनकम्प्लीट था। तो बेसिकली यहां पे आप बोलोगे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो कार्बन के पास क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल है जिसमें ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये वाली कौन सी होगी बैक बॉन्डिंग, पी पाई या पी पाई डी पाई, दिस पी पाई या पी पाई डी पाई। वैसे भी आप इसमें तो कोई लॉल है, फर्स्ट फ्लोरीन सेकंड पीरियड का डी ऑर्बिटल तो होता नहीं, ऑब्वियसली दिस बैक बॉन्डिंग इज
2p pi. ये बैक बॉन्डिंग कौन सी है? जब क्लोरीन अपना लोन पेयर भेज रहा है कार्बन के पास, क्लोरीन का लोन पेयर कार्बन के पास, अगेन इट इज p pi 2p pi 3p pi. क्योंकि ये क्लोरीन के ऊपर ये जो तीन लोन पेयर है, तीन लोन पेयर, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देख लो, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 3s2 3p5, 1 2 3 4 5, ये देखो एक लोन पेयर 3s में है, दो लोन पेयर 3p में, तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर 3s 3p में, और ये लोन पेयर डेफिनेटली p ऑर्बिटल, यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल कार्बन पे p ही हो सकता था, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो क्लोरीन के पास तो लोन पेयर 3p में है, तो अब क्लोरीन अपने लोन पेयर 3p वाले को कार्बन के 2p पाई 3p पाई में भेजेगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये वाली बैक बॉन्डिंग 2p पाई 3p पाई है और ये बैक बॉन्डिंग 2p पाई 2p पाई है, विच बैक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग? दोनों में कंपैरिजन बता सकते हो? 2p 2p वर्सेस 2p 3p, ऑब्वियसली छोटे क्वांटम नंबर वाले, स्मॉलर द क्वांटम नंबर बेटर इज द पाई बॉन्ड एबिलिटी, सो दिस बैक बॉन्डिंग इज बेटर देन दिस बैक बॉन्डिंग, राइट? यहां की बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू यहां से, पर बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन फ्लोरीन टू कार्बन है, क्लोरीन टू कार्बन है, ये ध्यान में रख लेना, राइट? अब एक और क्वेश्चन देता हूं, ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, ठीक, मुझे पता है। क्वेश्चन इज ए और बी में वेयर बैक बॉन्डिंग इज फ्रॉम कार्बन टुवर्ड्स क्लोरीन, वेयर बैक बॉन्डिंग इज फ्रॉम कार्बन टुवर्ड्स क्लोरीन। जब मैंने बोला ना कार्बन टुवर्ड्स क्लोरीन, मतलब कार्बन का लोन पेयर क्लोरीन के बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ऐसा। ए बी या बोथ? ऑब्वियसली दिस टाइम आंसर इज वेरी इजी, ए, वेरी इजी, ए करेक्ट आंसर, फाइनली करेक्ट इज ए, क्योंकि क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट तो यहां कंप्लीट नहीं है, ये तो यही वाला एग्जांपल है। तो अब मैं बोलूंगा उस, सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं था यहां पे, सॉरी, तो कार्बन के ऊपर तो लोन पेयर है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हियर कार्बन हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट। तो अब के बाद कार्बन पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तो लोन पेयर क्लोरीन का लोन पेयर कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में 2p पाई 3p पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहां कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन के पास चेक करो, तीन बॉन्ड पेयर, 1 2 3 और एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर में 2 2 6 इलेक्ट्रॉन और 7 8 8 पूरे हैं, तो कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां पे तो क्लोरीन के पास ही एम्प्टी ऑर्बिटल में कार्बन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करने जाएगा। अब की बार
क्लोरीन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में कार्बन का लोन पेयर बैंक बॉन्डिंग करेगा तो मैं बोलूंगा दिस इज नाउ 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग। तो अब मुझे ये बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में क्या फर्क है, यहां की कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और यहां की कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहां के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और यहां के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। यहां चेक करें, अब ये लोन पर बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो इसे सिग्मा में काउंट नहीं करना, 1 2 3 इसे काउंट नहीं करना सिग्मा में, तो 3 सिग्मा के कारण दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां देखो ये तो एम्प्टी ऑर्बिटल की बात हो रही है तो ये लोन पर तो वैसे का वैसा रह गया 1 sigma 2 sigma 3 sigma, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोथ कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा अब एक क्वेश्चन ये देखना, This is boric acid. अब आप ये बताओ बच्चों क्या यहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कहीं बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? कोई अपने लोन पेयर को किसी के खाली ऑर्बिटल में भेज सकता है? ध्यान से देखो इस पर बहुत बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। इस मॉलिक्यूल में क्या किसी का लोन पेयर किसी के एम्प्टी ऑर्बिटल में जा सकता है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, बोरॉन सेकेंड पीरियड का है तो बोरॉन का ऑक्टेट यहां पर इनकम्प्लीट है और अगर इनकम्प्लीट है तो बोरॉन हैज एमटीपी ऑर्बिटल। बोरॉन के पास एमटीपी ऑर्बिटल है, ये देखो बोरॉन के 3 बॉन्ड है ना, 1s2 2s2 2p1 और यहां हाइब्रिडाइजेशन स्टीरिक नंबर 3 sp2, तो यहां पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देखो जब 3 बॉन्ड बनाने बोरॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन एक जंप कर देगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया। वैसे भी मैंने आपको निशानी बताई हुई है सेकेंड पीरियड के एटम का अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो उस पर एम्प्टी ऑर्बिटल गारंटेडली होगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो उस पर एम्प्टी ऑर्बिटल गारंटेडली होगा, तो एम्प्टी ऑर्बिटल तो पी ही होगा। तो अब ये लोन पेयर ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग में करना चाहेगा तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बताओगे? यहां पर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी? यहां 2 लोन पेयर थे, 1 लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में जाना पड़ा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा ये बताओ क्या बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन बदली? अगर ये बैक बॉन्डिंग ना होती बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या होती? बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन पहले sp2 और अब क्या हो रही है, यहां पे पाई बॉन्ड आ रहा है ना, पाई बॉन्ड, अब भी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन में तो चेंज नहीं आया, पर किसकी हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया? ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया। कौन सा एंगल बड़ा हो गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, बोरॉन वाला एंगल या ऑक्सीजन वाला एंगल, कौन सा एंगल बड़ा होगा?
थीटा वन या थीटा टू, कौन सा एंगल बड़ा होगा, थीटा वन या थीटा टू? ऑब्वियसली थीटा वन, दिस एंगल, ऑक्सीजन वाला एंगल बड़ा होगा, बोरॉन वाला एंगल वही का वही रह जाएगा। समझ आया? तो अब पहले से थोड़ा कंफर्टेबल लेवल आया कि बैक बॉन्डिंग कैसे कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन फिर आपके ऊपर, आपको छुट्टी के बारे में बताऊंगा कि भाई अब छुट्टी, अच्छा अब यहां बताओ, पीएफ थ्री वर्सेस पीएच थ्री, कहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? इन दोनों में, दिस इज पी, दिस इज क्यू, वेयर बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। पी क्यू की, हाँ पी में क्यू में बोथ में, यस आंसर इज ओनली पी, ओनली पी, वेरी गुड। किससे किसकी तरफ, कौन अपने लोन पेयर को किसमें भेज सकता है? जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसकी तरफ जाना है। एम्प्टी ऑर्बिटल किसके पास है? फॉस्फोरस के पास, क्योंकि फॉस्फोरस का पास, फॉस्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड वालों के पास एम्प्टी विच ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल अगर है तो फ्लोरीन अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेजेगा, लेकिन फास्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर ही नहीं, यहां तो लोन पेयर ही नहीं, यहां कैसे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? अच्छा अगर कोई कह रहे फास्फोरस अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन की तरफ भेज दे, तो ये पॉसिबल है फास्फोरस हाइड्रोजन की तरफ लोन पेयर को भेज दे? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं। तो मैं कहूंगा फ्लोरीन लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन विल अंडरगो बैक बॉन्डिंग विद डैश ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस। क्या आंसर दोगे? फ्लोरीन का लोन पेयर फास्फोरस के कौन से ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करेगा? डी। तो इस बैक बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर अगर मुझे बता के दिखाना हो, फास्फोरस पे लोन पेयर एज इट इज था, तो मुझे आप ये बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे किसकी तरफ बनाऊं, किससे किसकी तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊं? फ्लोरीन से फास्फोरस की तरफ ऐसे। तो अब आप इस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बना के दिखाओ, कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बना के दिखाओ, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पी डबल बॉन्ड एफ। और मेरी गलती बतानी आपने, मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर, मेरी गलती बताऊं, मैं कह रहा हूं ये मेरा ठीक है, इसमें कोई गलती, गलती तो की है मैंने, दो दो गलतियां, तीन तीन गलतियां की है। सबसे पहले फास्फोरस पे लोन पेयर रहेगा, ये नहीं बनाया था, लोन पेयर दिखाना था। फिर फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर भेजा है, तो फ्लोरीन पे पॉजिटिव, फास्फोरस पे नेगेटिव, फॉर्मल चार्ज फास्फोरस पे नेगेटिव, फ्लोरीन पे पॉजिटिव। अब मेरा आपसे सवाल होगा फिर से, ये देखो, जब यहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं थी,
तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो अब बताओ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, कहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? यहाँ डबल बॉन्ड रिपल्शन विद सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली पी में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। सो आई विल से दैट दिस बॉन्ड एंगल थीटा वन, सो दिस एंगल थीटा वन, सो बॉन्ड एंगल इन पी एफ थ्री इज मोर देन बॉन्ड एंगल इन पी एच थ्री बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। राइट, अब लग रहा है आसान। तो क्या ये मेरी स्टेटमेंट ठीक हुई कि घर बैठे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके बेचारों के मुंह पे स्माइल आनी चाहिए कि चलो शुक्र है आया तो सही। गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने लगा हूं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, आपने सिर्फ नोट करना है। जो मैं लिखने लगा हूं वो आपने सिर्फ नोट करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। If back bonding involves lone pair of central atom with its surrounding atom, such molecule is weak Lewis base. If central atom has empty orbital and involved in the back bonding with lone pair of surrounding atom, with lone pair of its surrounding atom, its Lewis acidic character decreases as quality or strength of back bonding increases। और ये मान के चलना इन दोनों पॉइंट से कोई ना कोई एक क्वेश्चन गारंटेडली जेई एडवांस 2022 में आपके पास होगा। और कल जब आप क्लास आओगे तो आज के लेक्चर को अच्छे से पढ़ के समझ के बैठोगे, और खासकर जब क्लास स्टार्ट होगी आप अपनी कॉपी में ये जो लिखा हुआ है अपने सामने रखोगे, क्योंकि मैंने सीधा यहीं से स्टार्ट करनी है अगली क्लास। हमारी नेक्स्ट क्लास भी इनऑर्गेनिक की होगी, तो मैं कल वाली क्लास में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका ताल्लुक, बैक बॉन्डिंग का ताल्लुक जरूरी नहीं आपके एग्जाम से है बेटा, लेकिन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत नहीं यूज आता है,
और ट्वेल्थ क्लास के ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं बैक बॉन्डिंग का यूज है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। हाँ हाँ भाई, लेक्चर अपलोड कर दूंगा नयन, डोंट वरी। ओके, गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। ओके बच्चों, गोइंग टू लीव द मीटिंग, थैंक यू सो मच।